रात अंधेरी थी। जल्दी से जल्दी कैश हमारे सेंटर पर पहुंचा दो। डैनियल मारा गया। डोंट वरी। हम जो स्मार्ट है और इंडिया का पुलिस से ज्यादा स्मार्ट है। ट्रैक्टर पार्ट्स की क्लीयरेंस के लिए आए हैं। यह रहा क्लीयरेंस ऑर्डर। uh,
ये रहा क्लियरेंस ऑर्डर। ये रहा आप लोगों का माल, उठा लीजिए। उठा लेते हैं, चलो। पार्ट्स के लिए कुछ लोग आए हैं। दे दो। जी, दे तो दिया, लेकिन ये गलती हो गई, शायद कुछ गड़बड़ है। आप पुलिस को लेकर फौरन आ जाइए। अहमद अली, अहमद अली, अहमद, अहमद अली। बहुत गड़बड़ हो गई है जी। अहमद अली मुझे टेलीफोन पर बता रहा था कि कुछ लोग ट्रैक्टर के पार्ट्स लेने आए हैं। इतने में जी की आवाज आई और फिर क्या देखा? बस एक अंगूठी गौर से देख सका, दाहिने हाथ की तीसरी उंगली में नगीने की जगह वायलिन जड़ा हुआ था। अहमद अली बहुत वफादार था, उसने मेरी इज्जत के लिए अपनी जान दे दी। ये लोग कितने जालिम हैं, अहमद अली की जान ले ली और मुझे भी बर्बाद कर दिया। अब मैं पार्टी को मुंह क्या दिखाऊं? बस हमें इस माल का मुआवजा दे देना चाहिए। मुआवजा तो इंश्योरेंस वाले भी दे सकते हैं, लेकिन मार्केट में बरसों की जो मेरी इज्जत बर्बाद हो गई है उसका कोई मुआवजा नहीं। लेकिन इसमें हमारी क्या गलती है? ये सब पार्ट्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं और किंग कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है। अगर उन्हें माल नहीं मिला तो यहां से लेकर कनाडा तक मेरे नाम पर पानी फिर जाएगा, बरसों का कैरियर मेरा खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये केदारनाथ की कार्रवाई है। साल भर से उसने एक शिपिंग कंपनी खोल रखी है, उसे क्लाइंट्स नहीं मिलते हैं, इसीलिए उस कमबख्त ने ये चालाकी की है। बॉस, आई थिंक वी शुड रिपोर्ट दिस टू द पुलिस। बट हाउ कैन वी, जब तक कोई सबूत हाथ में ना आए हम क्या कर सकते हैं? केदारनाथ बहुत चालाक है, उसने अपने चेहरे पर कई नकाब डाल रखे। अगर आपको यकीन है कि केदारनाथ का हाथ इसमें है तो मैं इसका पता लगाऊंगा। अनिल, अगर तुम चाहो तो उसके खिलाफ कोई ना कोई सबूत जरूर ला सकते हो। हेलो, बॉम्बे शिपिंग कंपनी। देखिए जी, मैं सीताराम बोल रहा हूं।
जरा केदारनाथ जी को फोन दीजिए। क्या ओआईसी कब लौटेंगे? ऐसे थैंक यू। बस केदारनाथ कश्मीर चला गया। देखा कमबख्त कितना चालाक है, ये साबित करने के लिए कि इस मामले में उसका कोई हाथ नहीं है कश्मीर चला गया। मैं समझता हूं माल भी वहीं पहुंच गया है। वो माल अगर मिल जाए अनिल तो अहमद अली का जान देना बेकार नहीं जाएगा और बहुत से बेगुनाह आदमी बच जाएंगे जिन्हें केदारनाथ कभी भी इसी तरह जान से मार सकता है। बस मैं केदारनाथ के पीछे आज ही कश्मीर जा रहा हूं। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि केदारनाथ को एक्सपोज करके कानून की मदद करोगे। आई विश यू सक्सेस। थैंक यू सर। स्टेशन नंबर वन। यस। अनिल कश्मीर के लिए रवाना हो चुका है। शायद इन खूबसूरत मनाजिर से दिलचस्पी है। मुझे तो आपसे दिलचस्पी है। वो तो मैं देख ही रहा हूं, बहुत दूर से आप मेरा साया बने हुए। हमारे रास्ते से हट जाओ। लीजिए हट गया। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। जहां से आए हो वापस चले जाओ, वरना ऐसी जगह पहुंच जाओगे जहां से कोई वापस नहीं आता। अच्छा जाल फैलाया है आप लोगों। क्या आप बता सकते हैं कि मेरे ऑफिस के किस आदमी ने आप तक ये रिपोर्ट पहुंचाई है? मैं ये बता दूं कि मेरा निशाना बहुत पक्का है। अच्छा तो जरा नमूना बता दीजिए। ये रही आपकी गोली।
जब मैं यहाँ पर पहली बार गिरा तो ये पिस्तौल मेरी जेब में आ गया, और जब दूसरी बार गिरा तो ये काली पिस्तौल तुम्हारे जेब में आ गया। अब बताओ तुम कौन हो और मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों? अच्छा देवी, अब आप टैक्सी की आशा छोड़ दीजिए, ये प्राइवेट टैक्सी है, मेरे साथ चलिए, मैं आपको छोड़ दूँगी। आशा चलो ना, बेचारे कितने ही मान से बुला रहे हैं। सामान पीछे रख दीजिए। चलिए मगर वो फिक्र मत कीजिए, अपना ही आदमी है, जरा मजा करेंगे। सात पैसे सलाम सलाम सर। सोताराम के बच्चे, तो बस स्टॉप पे क्यों नहीं आया? ओहो, बस स्टॉप पहुंचने से पहले इसका फुल स्टॉप हो गया था। तो अब ये गाड़ी कौन स्टार्ट करेगा? प्यारे थोड़ी देर यहाँ ठहरते हैं, इधर से कुछ लड़कियां गुजरेगी, बदन में बिजली दौड़ेगी, फिर एक कस के लात मारूंगा, गाड़ी यूँ स्टार्ट हो जाएगी। तो तूने अपने होलसेल का धंधा नहीं खत्म किया? अनिल आ गई आ गई आ गई आ गई। आदाब अर्ज है। वाह, क्या शानदार कार है जनाब की। अपनी है, भाड़े की नहीं। तिरछी नजरों से न देखो आशिके दिलगीर को, कैसे तीर अंदाज हो, सीधा तो कर लो तीर को। तो
रातों की सियाही है और दिन का उजाला है, तेरी आंखों का रंग निराला है, तेरी आंखों का रंग निराला है, रातों की सियाही है और दिन का उजाला है। के तुम्हारी नजरों के गुस्सा भी है दिन में प्यार भी है, माथे पे बल होंठों पे हंसी इनकार भी है इकरार भी है, इन पलकों की चिलमन तो उठा समझूं तो सही ये राज है क्या, रातों की सियाही है और दिन का उजाला है। हमी से होगा तुम्हें ये रुकने वाली बात नहीं, आग लगी है होगा धुआं ये चुपने वाली बात नहीं, अब छोड़ भी दे गुस्से की अदा, अब मान भी जा मेरे रूठे खुदा, रातों की सियाही है और दिन का उजाला है। गर्म मिजाजी ठीक नहीं इस प्यार की ठंडी छाँव में, इखला कर चलने वाली कहीं मोच न आए पाँव में, तुमको तो किसी से प्यार नहीं तो हम भी किसी के यार नहीं, रातों की सियाही है और दिन का उजाला है, तेरी आंखों का रंग निराला है, तेरी आंखों का रंग निराला है, रातों की सियाही है और दिन का उजाला है। So how's life? Okay, then I'm expecting some visitors today. Hello, sir. Please, may I know your good name? तुतराम। हम साहब का नाम पूछा। साहब का नाम धाम पता ठिकाना सब बुक में लिखवा चुका हूँ, तुम सिर्फ कमरा नंबर 115 की चाबी हमारे हवाले करो और साहब का ऑटोग्राफ इसमें लिख लो चौपड़े में। सॉरी। कमरा नंबर 115। सुतराम, सुतराम,
भागे के ना। मैंने फोन पे जो तुमसे बात कही थी वो मालूम कर ली? अजी वो तो मैंने कब की मालूम कर ली। अबे सीधी तरह बात करो वरना। देखिए जनाब, मैं कोई आपका नौकर नहीं हूं। ये हरकत आपने यहाँ की तो की, लेकिन किसी लड़के के सामने की तो मैं जनाब क्या कर लेंगे जी? कुछ नहीं, मैंने केदारनाथ के बारे में सिर्फ मालूम ही नहीं किया बल्कि तुमको उसके बगल में लाके बिठा दिया। क्या मतलब? अजी वो कमरा नंबर 113 में ठहरा है। कब से? कल शाम आया है, वैसे आते जाते रहता है। उसने ये कमरा एक साल से बुक किया है। कब तक? अजी उसके मरने तक। अबे क्या पता है, उसका कोई घर नहीं है क्या? नहीं, उसकी एक कोठी है। हैं? हाँ, इस शहर में उसकी एक कोठी है, लेकिन वो वहां पे जाता भी नहीं। सोना लाल के साथ इस होटल के क्लब में कुछ ना कुछ खेलता रहता है। मगर ये सोना लाल कौन है? इस होटल का मालिक है। वैसे तो उसके बहुत से धंधे, पता नहीं क्या क्या धंधे, और ये केदारनाथ उसका पार्टनर है। किस धंधे में? कुत्तों में। दो कुत्ते हैं, कभी केदारनाथ के पास देते कभी सोना लाल के पास। I'm at your service, sir. Any order, sir? बिना बुलाए यहां मत आया करो, समझे? Okay, sir. तोताराम जी, अब क्या बगा, अब क्या? बुलियन किंग सोना लाल, हेयर इज डायमंड किंग केदारनाथ। कुछ ऐसा मालूम होता है हुजूर कि आज आपने पत्तों को रिश्वत दे दी है, दूसरे भाग भाग कर आप ही के पास पहुंच रहे हैं। आजकल अपना सितारा बड़े जोरों पर है, मट्टी को छूता हूं सोना बन जाती, बस इसी तरह माल इधर करते जाओ। ये सब माल आप ही का है हुजूर, इतने दिनों का साथ है, माल तो क्या दिलो जान भी एक हो चुके हैं। उसका मैं केदारनाथ के कमरे जा रहा हूँ, जैसे वो यहाँ से उठे इसका खटका दबा देना, मुझे फौरन खबर मिल जाएगी, समझे? लीजिए एक ब्लाइंड चाल और। मैं तो जरा देखभाल करके ही चलता हूँ, शो करो। शो लीजिएगा, इस गुलाम के पास दो बादशाह हैं और इस बादशाह के पास तीन गुलाम। भाई आज खेल में मजा आ रहा है, इसी तरह ताश बांटते रहो और माल हारते रहो। Thank you.
अच्छा बाबा फांसी पे चढ़ा देना, तुम सुना देना, मैं वादा करता हूँ कि ऐसा कभी नहीं हो। यार माफ भी कर दो। हाँ हाँ तुम ये काम कर दो, मैं अभी बाहर जा रहा हूं। अनिल ये कमरा नंबर 113 की आवाज थी ना? हाँ। एक बात पूछो। कहो। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी मशीन नहीं है जिससे मैं किसी के दिल की आवाज सुन सकूं? पको मत। हेलो मिस्टर अनिल, इस जवानी में हराम मौत क्यों मरना चाहते हो? बंबई वापस चले जाओ। हेलो 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 बुलाए फिर आवे? आप लोगों की खबर लेते रहना मेरी ड्यूटी है सर। तेरा खबर लेते रहे तो मैं तुम्हारी खबर लूंगा, समझे? गेट ऑफ। हथेली से मस्तियां टपके हैं। बहुत तारीफ हो रही है, क्या काम है? एक छोटा सा काम है, एक कबूतर आया है उस पर निगाह रखनी। छुट्टी हो गई बेचारे की। कौन है वो? तोताराम का दोस्त अनिल। अनिल ये काम किसी और से लो ना। क्यों, तुम क्यों नहीं करोगी? मैं थक गई हूँ जिंदगी से। आपने कहा था पूनम चंद आखिरी आदमी है जिस पर मुझे निगाह रखनी है, उसे मरे हुए कुछ ज्यादा दिन भी नहीं हुए, इतनी जल्दी अपना वादा भूल गए? मैं अपना वादा भूल रहा हूँ? तुम अपना अंजाम भूल रही हो। सुनो लाल जी, तुम कितनी भोली हो रोजी, भाई तुम्हारा मेरा जन्म जन्म का साथ है। अब सोचो तो पूनम चंद को ठिकाने लगाने में कितना साथ दिया था तुमने मेरा। अरे आई एम सॉरी, एक पुराना छोटा सा वादा याद आया, ये मैं तुम्हारे लिए बनवा लाया हूँ। वर्कमैनशिप मुझे बहुत पसंद आई, देखो तो। मैं दूसरा गिलास भर के लाता हूँ। नहीं कोई जरूरत नहीं, मैं चलता हूँ, समझी? अच्छा तो कल वो तोताराम के साथ अनिल राइडिंग क्लब में तुम्हें मिलेगा। क्या हुआ नीली? क्या हुआ? कुछ नहीं अब्दुल्ला, कभी कभी बचपन बहुत याद आता है। रोजी तुम नई कैंडिडेट हो इसलिए तुम्हें घोड़े से नहीं टट्टू से स्टार्ट करना चाहिए। नहीं तोताराम जी, मैं तो इतनी नई हूँ कि मुझे गधे से शुरू करना चाहिए। गधे से? लेकिन मैं गधा कहाँ से लाऊं, इट इज इम्पॉसिबल। आप जो मौजूद हैं। ओह थैंक यू खूब याद दिलाया। कम ऑन रोजी कम ऑन, अब प्यार से मेरे कंधे पे पैर रख के ऊपर चढ़ जाओ। तोताराम जी जरा बच के, कहीं प्यार से घोड़ा तुम्हारे पर पैर न रख दे। अभी आपकी बला से। रोजी हाउ यू फील, कंफर्टेबल? वेरी कंफर्टेबल। ओह नाइस। ओ मिस्टर आप जरा यहाँ आइए, थोड़ी देर के लिए आप मुझे भूल जाइए, मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। कम ऑन रोजी। ओह जहाँ नया मेंबर देखा पुराने को भूल गए। मुझे उतारना है। सॉरी डियर, मेरे साथ यही ट्रेजेडी है, मैं चढ़ा सकता हूँ लेकिन उतार नहीं सकता। कमाल है। थैंक यू।
रोजी इनसे मिलो, ये है मेरे दोस्त अनिल और ये है रोजी। मैं इनकी बहुत तारीफ सुन चुका हूँ। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, यानी घोड़े के मुंह से और इस गधे की दुम से। ओह शिट। दुनिया का सबसे खतरनाक और दुनिया का सबसे खूबसूरत, जिसे हिंदी में प्यार कहते हैं और इंग्लिश में लव। मैं इस मौके का फायदा उठाकर आप सबको अपने डांस आइटम पर इनवाइट करती हूँ, जो आज रात के हमारे नाइट क्लब में होने वाला है। Oh,
जा रहे हो मुझे। तुम्हें बार बार वार्निंग दी गई मगर तुम नहीं माने। तुम समझते हो कंसाइनमेंट का पता लगा लोगे? कौन सी कंसाइनमेंट? भोले मत बनो। कौन सी कंसाइनमेंट है थोड़ी देर के बाद यमराज से पूछ लेना। तुम मुझे जान से मार डालना चाहते हो। बॉस का ऑर्डर हो चुका है। कौन है तुम्हारा बॉस? जबान बंद होने वाली है। मरने से पहले एक नेकी करते जाओ, तुम्हारी जिंदगी भर के पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। बताओ वो कंसाइनमेंट क्या है और कंसाइनमेंट कहाँ है? बताओ। तुम बेकार अपनी जान गंवाने पर तुले हो। ये लोग बड़े बेदर्द हैं। आज नहीं तो कल कोई मुझ जैसा खरीदा हुआ आदमी तुम्हें मार देगा। इन लोगों के पास बहुत दौलत है, किसी को भी खरीद सकते हैं। वो कंसाइनमेंट कोई मामूली कंसाइनमेंट नहीं। तुम्हारा इंतजार, लेकिन तुम अंधेरे में कल गायब हो गए थे। गायब कर दिया गया था और ये अंधेरा शायद मेरी मौत का अंधेरा बन जाता। मेरी मानो तो अपनी जान बचाकर यहां से वापस चले जाओ। अब ये मेरी जिंदगी का सवाल नहीं रहा, न जाने कितने बेगुनाह इंसानों की जिंदगी का सवाल बन गया है। केदारनाथ के साथ मुजरिमों और कातिलों का एक बहुत बड़ा गैंग। ये लोग दौलत के लिए मासूम इंसानों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। अभी मेरा फर्ज बन गया है तोताराम कि ऐसे खतरनाक मुजरिमों के चेहरे से निकाब हटा दूं और इन्हें कानून के हवाले कर दूं, चाहे इसमें मुझे अपनी जिंदगी से खेलना पड़े। यस, दिस इज केदारनाथ स्पीक। मुझे मंजूर है मगर कैश नो चेक। ठीक मुझे 12 बजे नीलगिरी पॉइंट पर मिलना है, याद से देखो अपने साये पर भी नजर रखना, कहीं कोई पीछा करने वाला ना हो। ओके। साया तो नहीं, तुम्हारी बदकिस्मती तुम्हारा पीछा करेगी। कल तुम अपना काम करना, मैं अपना काम करूंगा। यो बेटा, तोता राम के तोते, तुम मुझे खबर देते रहना, मैं खबर लेता रहूंगा। आई एम सॉरी माई स्वीट स्वीट रोजी। थैंक यू अब्दुल्ला। हेलो रोजी। अरे ये क्या है तोता राम? तोता। हाउ क्यूट। दिस इज प्रेजेंट फॉर यू। थैंक यू तोता राम। ये भी तोता राम है। तोता राम का दिल, तोता राम की जान, सब कुछ इसमें है। रोजी तुम इसे यहाँ पे रख लो, मैं हमेशा तुम्हारी आंखों में रहूंगा या फिर मेरी नजरें हमेशा तुम पर रहेगी। सिले बल्ला, क्या चीज बनाई है बनाने वाले? तबीयत खुश हो गई। आप मुझे एक गिलास पानी पिलाएंगे? जी जी जी।
तुम ही बताओ रोजी, जब ये तोताराम हो गया है तो मैं अपना नाम क्या रखूं? राजेंद्र कुमार, मनोज कुमार, दिलीप कुमार, नरेंद्र कुमार, आजकल सब कुमारों का जमाना है। क्या मैं भी इनमें से एक कुमार हो जाऊं? नहीं, तुम जैसे हो अच्छे हो, इसलिए मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, क्योंकि तुम तोताराम हो, सीधे साधे, भोले भाले। जिस दिन तुम जरा भी बदले तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। बस, अगर तुमको यही पसंद है तो 7 जन्म तक के मैं अपना नाम नहीं बदलूंगा। मुझे वो पागल कुत्ते ने काटा है कि कुत्ता आ गया। क्या होगा, आता है तो आने दो। अभी वो तुम्हें देख लेगा तो? हाँ, तो मैं भी उसे देख लूंगा, डरता कौन है। आज फैसला हो के रहेगा। आर्या पाल, प्लीज चुप जाओ ना। अगर तुम कहती तो मैं चुप जाता हूँ। इसे यहाँ बांध दो। हेलो, तुम कहीं बाहर जा रही थी क्या? अरे ये क्या है? पैसेंजर है किसी दोस्त का। वेरी गुड। देखो कितने अजीब तरह तुमको देख रहा है। आज कुत्तों को लेकर कहाँ निकल पड़े? भाई आज कुत्तों से काम लेना है, इसलिए कुत्ते साथ हैं। जिनसे काम लेना हो क्या उन्हीं को साथ रखते हो? सिवाय तुम्हारे, तुम्हें तो बगैर काम के लिए साथ रखता हूँ। अच्छा, आज क्या काम लेना है कुत्तों से? जो काम तुम अपनी आंखों से लिया करती हो, शिकार। आज किसका शिकार करना है? ये कुत्ते अपना शिकार खुद ही पहचानते हैं। आपका टेलीफोन है। मैं अभी आता हूँ। अरे मेरे बाप, मेरा पीछे छोड़ दे। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं सब कुछ समझ गया और तुम्हें समझाना चाहता हूं कि जो खेल तुम खेल रहे हो वो बहुत खतरनाक है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? मैं धमकियां नहीं दिया करता, मैं जो सोचता हूं वो कर गुजरता हूं। तुम मेरे आड़े मत आओ, तुम नादान हो, तुम्हारी जान भी चली जाएगी और किसी का भला भी ना होगा। के भले के लिए आप सोच रहे हैं? आप जिसके लिए इंसानों की जिंदगी खेल है। बकवास बंद करो और ये लो वो खिलौना जो तुम मेरे कमरे में लगा आए थे, इससे तुम खेलते हुए ही बहुत अच्छे मालूम होगे। झूम के लहरें पहले भी तो उठती थी, लेकिन ये धूप
थे लेकिन ये तूफान थे। बादल बनके रुक गए थे पहले से तो आते थे आज तू बाहों में प्यार की राहों में दीवाना मेरा दिल तुझे दे सदा जाने चमन आ जा। लेकिन ये जलवा न था जलवा भी तेरा है नगमा भी तेरा है कहोगे मेरी जान कभी हम जुदा मैं तेरी आँखों में लकने लगे आखिर छलकने लगे अंकल से मिला। चाचा जी, चाचा जी, ये है अनिल और ये है मेरे चाचा जी केदारनाथ। मेरे माँ बाप मरने के बाद इन्होंने मुझे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है। ऐसा लगता है आप लोग एक दूसरे को जानते हैं। मैं इन्हें खूब अच्छी तरह जानता हूँ मगर ये शायद मुझे न जानते। वैसे हमारी मुलाकात कई बार हो चुकी है और एक बार तो बहुत लंबी रही जिसे शायद ये भूल गए हो। आशा कहाँ गायब हो बेटी तुम? पूरे 6 घंटे से हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। चलो ना। जाओ बेटी तुम जाओ। आप भी घर के लिए ना। मुझे अभी कुछ जरूरी काम। कभी कभी तो मिलते हैं आप। गोली मारिए काम को आज। गोली तो मारनी ही पड़ेगी किसी न किसी दिन लेकिन अभी मैं जरा कुछ दिन बिजी रहूंगा फिर काम को तिलांजलि देकर घर पर बैठ जाऊंगा। जाओ तुम जाओ जाओ। ओके तुम्हारी चाल की दाद देता हूँ लेकिन बरखुरदार ये काम जितना आसान नजर आता है उतना ही खतरनाक भी है। आशा मेरी सगी भतीजी है लेकिन मैं अपने मकसद को हासिल करने के लिए रिश्ते की भी परवाह नहीं करूंगा। कहीं ऐसा ना हो तुम्हें अपने नादानी पर पछताने का मौका भी न मिल सके। मेरे माँ बाप मरने के बाद इन्होंने मुझे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है। हेलो डबल एक्स स्पीकिंग हियर। डबल एक्स स्पीकिंग हियर। मेले में हमारे मेहमान भी शायद पहुंचने वाले हैं। धुआं चारों तरफ फैल जाएगा। तुम इस मौके से फायदा उठाओ। ट्रक वहां से ले जाओ और स्टेशन नंबर 2 पर पहुंचो। यस सर।
और यहाँ क्यों आए थे? कैमरा फोटो के साथ ले। मामला उलझता जा रहा है। पार्टनर सुलझता जा रहा है। कंसाइनमेंट आ चुकी है। यहाँ से 10 मील दूर एक गांव में मैंने सब पता कर लिया है और सब इंतजाम भी, और फिर वहां का मुखिया मेरी मदद कर रहा है, मेरा यार है भाई। तो चलो वहां चले, अभी नहीं कल। कल गांव में मेला है, वहां के लोग मेले में मस्त होंगे और हम लोग अपने झमेले में। मिला हाँ। हाय नी कुड़िए, सपना देखा रात के जैसे तू है मेरे साथ, ओ बलिए हाथों में है हा, हुआ क्या मतलब इसका हो। तेरा मेरा साथ ओ जलवे जैसे ये जलवा, कि तू है बादल में बरसा, समझने मतलब इसका। ओए होए सपना देखा रात के जैसे तू है मेरे साथ, बलिए हाथों में है हाथ, हुआ क्या मतलब इसका होए। काजल वाली आंख शराबी, मेहंदी वाले हाथ गुलाबी, हो जी हो हाय। काजल वाली आंख शराबी, मेहंदी वाले हाथ गुलाबी, तेरा हर अंदाज कयामत, हाय तेरी हर एक बात शबाबी। दिल बोले ये बात के चाहे दिन हो चाहे रात, रहे तू साया बन के साथ, हुआ क्या मतलब इसका। सपना देखा रात कि जैसे तू है मेरे साथ, वो बलिए हाथों में है हाथ, हुआ क्या मतलब इसका। तेरे गोरे गाल पे शबनम आए जैसे कलियों पर हो लाली। सुन के तेरी बात मचलते हैं दिल के जज्बात, मैं जागूं सारी सारी रात, समझने मतलब इसका। सपना देखा रात जैसे तू है मेरे साथ, वो बलिए हाथों में है हाथ, और क्या मतलब इसका। Hey!
कहाँ घूम रही? मेरा तो हाथ फिर हो जाएगा। नहीं, 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 नहीं यार। गए थे उस कार का एक्सीडेंट हो गया। क्या घबराने, वो लोग बच गए हैं। कहाँ है वो? तोताराम के घर पे। तो फिर चलो। तोताराम के घर पर कड़ी नजर रखो। सर का जख्म तो ठीक हो जाएगा, लेकिन सर का क्या होगा? शुक्र करो कि चोट गहरी नहीं लगी। अगर मैं तुम्हारी सेवा के लिए जिंदा नहीं होता तो तुम्हारी बकवास से छुटकारा मिल जाता। वो तो एक ना एक रोज मिल ही जाएगा। सच्चे दिल से कहता हूं अनिल, तुम देश और जनता के लिए शहीद होने वाले हो, लेकिन मैं एक ना एक रोज तुम्हारे प्यार में बेमौत मारा जाऊंगा। तुम दो चार आंसू बहाकर ये भूल जाओगे कि कोई तोताराम नाम का मासूम आदमी तुम्हारा दोस्त भी था। तोताराम जी, जी आप अपना रेडियो बंद कीजिए और गर्दन सीधी कीजिए और इस बैग में मुझे थोड़ा सा गर्म पानी ला दीजिए। अभी लाया। ये कमबख्त कौन है? पिए। अबे जा। जाता हूँ। जाता हूँ। रुक इधर। कौन है? कौन है? ओ आशा देवी, आप आ गई। बहुत अच्छा हुआ आप आ गई। न जाने ये कमबख्त मुझसे क्या क्या काम ले रहा था। प्लीज आप जाइए, तशरीफ ले जाइए। थैंक यू। ओ आप लोग नहीं जा सकते। क्यों? ओ रोजी तुम। अनिल इधर से भी नहीं गया। व्हाट अगेन? फिर से चला गया?
अब यहाँ क्या खबर लेने आया? खबर देने आया कंटेनमेंट की। कहाँ है कंटेनमेंट? ज्यादा दूर नहीं, कंटेनमेंट में और राफ में सिर्फ 1,00,000 रुपए का फासला है। तुम और तुम्हारी मौत में सिर्फ 1 सेकंड का फासला बाकी। ये फासला खत्म हो गया तो 5 दिन मेरे साथ खत्म हो जाएगी। तो तुम्हें 1,00,000 रुपए चाहिए एकदम न बगैर रसीद के। तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। चलिए, मुझे कब इंतजार है।
मौसी मौसी कैसे हो जी? जले हुए कागज में से क्या निकलेगा? पीएम लोडिंग यहां इन क्लब कितने हैं? एक भी नहीं। अरे
तू मेरा मतलब है स्विमिंग क्लब, बॉक्सिंग क्लब, इस किस्म के? हाँ, वो तो यहाँ पे बहुत से क्लब है, राइडिंग क्लब, डाइनिंग क्लब, न्यू डांसिंग क्लब एंड ओल्ड लव मेकिंग क्लब, माय बॉय। चलो क्यों, कुछ पता चला? सारे क्लब देख डाले। ये तो फ्लाइंग क्लब का हेलीकॉप्टर है। फ्लाइंग क्लब? अच्छा मैं चलता हूँ। आशा, अब इनसे मिलना छोड़ दो, बेकार है। तुम हमेशा इसके पीछे पीछे भागते हो और वो किसी और के पीछे। रास्ता साफ है, माल इसमें लोड कर दो, 9:30 बजे हम निकल जाएंगे। निजात मिलेगी। इनसे मिलिए, ये साहब हमसे छुप छुप कर मुलाकात करने आए हैं। फरमाइए, क्या सेवा की जाए आपकी? मैं यहाँ नया हूँ, रास्ता भटक गया, मुझे रास्ता बता दीजिए। रास्ता तो बता देंगे हम तुमको, पहले ये बताओ कि तुम कौन और यहां क्या करने आए हो। मंजिल पर पहुंचा कर ही छोड़ूंगा। बेवकूफ लौटे, तूने अभी केदारनाथ के हाथ नहीं देखे।
का जवाब दिए बिना नहीं जा सकते। ये क्या पागलपन है आशा, मेरे रास्ते से हट जाओ। ये पागलपन ही तो है जो मैं तुम्हारे पीछे यहाँ तक चली आई, वरना जिस तरह तुमने सबके सामने मेरी बेइज्जती की, मुझे धिक्कारा, मुझे तुमसे बात तक नहीं करना चाहिए। आशा प्लीज, मुझे देखते ही तुम परेशान हो जाते, मुझसे दूर भागते। साफ साफ क्यों नहीं कह रहे कि अब तुम्हें मुझसे कोई मोहब्बत नहीं है? काश मुझे तुमसे मोहब्बत न होती, ये तुम्हारी मोहब्बत ही तो है जो मुझे ये कहने नहीं देती कि हम दोनों मिल नहीं सकते, वरना हम दोनों के रास्ते अलग हैं आशा, जो कभी एक नहीं हो सकते। वो कौन सी बात है जो मेरे और तुम्हारे दरमियान दीवार बनी है, तुम बताते क्यों नहीं? मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता। तुम्हारे पास बताने के लिए है क्या? तुम झूठ का सहारा लेकर मेरे प्यार को ठुकरा रहे हो। जो तुमने मुझसे प्यार के वादे किए थे वो सब झूठ थे। जिस वक्त हम प्यार की गहराइयों में खो गए थे उस वक्त मुझे ये नहीं मालूम था कि जिस मुजरिम को मैं कानून के हवाले करना चाहता हूँ वो तुम्हारा ही चाचा केदारनाथ है। अली, हाँ। तुम अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए मेरे देवता स्वरूप चाचा पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हारा चाचा देवता नहीं, शैतान है, भूमि है, देश का बदनाम, जिस शराफत की आड़ लेके लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है। हेलो हेलो, डबलेक्स स्पीकिंग, यहाँ बहुत गड़बड़ हो गई है, हम लोग माल लोड नहीं कर सके, ये सब अनिल की वजह से हुआ। तुम सब निकम्मे हो, शेमलेस फूल, इडियट्स, नॉनसेंस। हम जब तक दूसरा ऑर्डर ना दे छुपे हो। प्रोग्राम कैसे मालूम होते हैं? उन लोगों ने अपना प्रोग्राम बदल दिया है। हेलो हेलो अनिल, तुम वहां से वापस आ जाओ। हेलो हेलो बता, हेलो देश और जनता के लिए शहीद होने वाले हैं, लेकिन मैं एक न एक रोज तुम्हारे प्यार में बेमौत मारा जाऊंगा। तुम दो चार आंसू बहा करके भूल जाओगे कि कोई तोताराम नाम का मासूम आदमी तुम्हारा दोस्त भी था, तुम्हारा दोस्त भी था, तुम्हारा दोस्त भी था, तुम्हारा दोस्त भी था, तुम्हारा दोस्त भी था। आज रात अनिल को डांस में बुलाओगी और उससे ये जाहिर करोगी कि तुम तोताराम के बारे में उससे कुछ कहना चाहती हो। लेकिन अनिल कहीं गायब है। मेरे पास उसका टेलीफोन नंबर है, मैं मिला देता हूं, तुम बात करो। हेलो, मैं रोजी बोल रही हूँ, आज रात डांस पार्टी में आप मुझे मिल सकते हैं? मुझे आपसे तोताराम के बारे में कुछ कहना है। इस वक्त नहीं बता सकती, वही मुझे वहां क्या करना होगा? सिर्फ डांस, बाकी काम जोसेफ और उसकी गिटार करेगी जिसमें साइलेंट गन लगी होगी। जूलियन? यस बॉस। तुम जोसेफ किलर को अपॉइंट करो। यस बॉस। यही है उपंची, काम हो जाएगा। यस, केदारनाथ स्पीकिंग। सर, प्रोग्राम यह है कि आज रात रोजी ने अनिल को डांस पार्टी में बुलाया है,
वहां जोसेफ को उसे मारने के लिए मुकर्रर किया गया है। जोसेफ? कौन जोसेफ? किलर जोसेफ। गिटार प्लेयर। गोली की आवाज भी सुनाई नहीं देगी। गोली किसने चलाई और अनिल कैसे मरा? किसी को पता नहीं चलेगा। वेरी गुड। दूसरों का फोन सुनना बदतमीजी है। मैंने दूसरों का फोन कहां सुना है? अपने चाचा का फोन सुना है। तुम्हें अफसोस भी न हुआ इस हरकत पर? मैं तो इस पर अफसोस कर रही हूं कि यह हरकत आज क्यों हुई। आपसे पहले यह हरकत की होती तो शायद आपके काम आती, आपको दो चार फोन करने से बचा सकती। कहां जा रही? आपको एक और फोन करने से बचाने के लिए। पागल लड़की, कौन किसका खून कर रहा है और क्यों कर रहा है ये बात में तुम्हारे समझने की नहीं। झगड़े में नहीं उलझना चाहिए। अपने चाचा पर विश्वास रखो, मैं अपना फर्ज पूरा करता हूँ। मैं भी अपना फर्ज पूरा कर रही हूँ। तुम नहीं जा सकती। आप मुझे रोक नहीं सकते। मैं अनिल का खून नहीं होने दूंगी। मैं हुक्म देता हूँ। मैं हुक्म मानने से इनकार करती हूँ। आशा, अनिल बेवकूफ है, तू उसके लिए अपनी जिंदगी खतरे में मत डाल। अनिल के लिए मैं जान भी दे सकती हूँ। मैं तो आपको देवता समझती थी, मगर अनिल ठीक ही कहता था। आप देवता तो क्या, इंसान भी नहीं। आशा, नादान लड़की, मैं देखता हूँ तू कैसे जाती है इस घर के बाहर। डांस पार्टी पे बुलाया, सिर्फ तोताराम की जान ली, सिर्फ उससे प्यार का बहाना किया।
मैंने तोताराम की जान नहीं ली। जान सबको प्यारी होती है ना। अब देखो तुम कितनी घबराई हुई हो, मौत का चेहरा देख के तुम्हारे चेहरे का रंग बदल गया है। तुम समझती थी कि मैं मर जाऊंगा और तुम और तुम्हारे साथी ऐश करेंगे, लेकिन अब मैं उनके ठिकाने जान चुका हूं, उनके चेहरे पहचान चुका हूं, उनके खूनी कारोबार का एक एक राज जान चुका हूं, और मैं अब सबसे बदला लेने वाला हूं, एक एक से बदला लूंगा मैं। अपनी सजा से कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं बच सकता। तुम्हारे पास कैसी आई? ये मेरी बचपन की तस्वीर है। मैं मेले में अपने भाई से बिछड़ गई थी। एक नेक दिल क्रिश्चियन औरत ने मुझे बेटी की तरह पाला, फिर वो भी मर गई और मैं इस इतनी बड़ी दुनिया में अकेली रह गई। राधा, मेरी बहन, मैंने तुझे कहां कहां ढूंढा। मैंने तो हार के ये सोच लिया था कि तू अब मुझे कभी नहीं मिलेगी। नहीं है भैया, मैं तुम्हारी बहन राधा। नहीं, तेरे हाथ बेगुनाहों के खून से रंगे हुए हैं। तू सर से पांव तक गुनाहों में डूबी हुई है। तुम मुजरिम और कातिलों की साथी है। भैया, भैया मैं नहीं जानती थी कि तुम मेरे भाई हो, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करती। वो लोग कितना बड़ा गुनाह करवा रहे थे मुझसे, अपने भाई का खून मेरी गर्दन पर होता। जिन लोगों के खून तेरी गर्दन पे है, वो भी किसी के भाई होंगे, किसी के बाप होंगे, किसी के बेटे होंगे, उनकी भी बहनें और माएं होंगी जिनके दिलों में आग लगी होगी। भैया मेरा यकीन करो, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। एक बार गुनाह करके इस दलदल में फंसती चली गई भैया, मैं मजबूर थी, मजबूरी ने मुझे सब कुछ करवाया। झूठ है, आज भी अगर गुनाह नहीं करना चाहे तो उसे कोई मजबूरी नहीं। तेरी मजबूरी इन गहनों की है, ये चमकदार लिबास की है, शराब की है। मेरी पूरी बात तो सुन लो भैया। मुझे भैया कहके इस पवित्र रिश्ते को बदनाम रख। तुमने अपने ऐश के लिए अपना धर्म, अपना ईमान, अपना जमीर बेचा है। तू देश की गद्दार है, तेरा मन, तेरा तन, तेरी आत्मा दागदार है। भैया, किस्मत ने अगर तुम्हारे साथ ऐसा मजाक किया होता, तुम इतनी बड़ी आबाद गुनाहों की दुनिया में अकेले बेबस बेकस छोड़ दिए जाते। तुम पर भी वही गुजरती जो मुझ पर गुजरी है, तो तुमने मुझसे भी ज्यादा गुनाह किए होते। धर्म, ईमान, देश और वतन तो क्या, तुमने खुदा को भी बेच दिया होता। बेशरम, काश तुम मर जाती और मुझे जिंदगी भर नहीं मिलती। अगर अभी तुझमें शर्म है और माँ बाप का शरीफ खून तेरी रगों में है तो मर जा, ताकि हमारी जिल्लत पर हमेशा हमेशा के लिए पर्दा पड़ा रहे। भैया, भैया मत जाओ भैया, मुझे माफ कर दो भैया। ये लोग माल अड्डे पे ले जा रहे हैं। चला गया। चलो आशा, जा रहा है, शायद यहीं कहीं अड्डा होना चाहिए। भैया,
पास मेहमान खुद चलकर अपने पास आ गए हैं, इनका स्वागत हो। तकलीफ की बंदा शुक्रिया अदा करता है। वैसे तो सोना ठिकाने लगाने के बाद मैं खुद ही आपकी खिदमत में हाजिर होने वाला था, इसलिए कि आप मेरे कुछ राजों से वाकिफ हो गए थे, लेकिन आप खुद ही तशरीफ ले आए, मेरा काम आसान हो गया। मैं चाहता हूं कि आपकी खिदमत में एक नहायत शानदार मौत का तोहफा पेश किया जाए, जिसे आप दूसरे जन्म में भी भुला ना सकें। सोनालाल, मुझे एक न एक दिन मरना है, मैं शायद मारा जाऊंगा और मुझ जैसे बहुत से लोग भी मर जाएंगे, लेकिन देश की सरकार तुम जैसे गद्दारों और स्मगलरों को कभी नहीं छोड़ेगी। तुम्हें वो सजा दी जाएगी जो कि डाकुओं और कातिलों को दी जाती है, क्योंकि सोने की चोरबाजारी करके तुम देश में आर्थिक संकट ला रहे हो और विदेश में भारत की इज्जत बर्बाद कर रहे हो। शाबाश, मौत के सामने खड़े होकर भी भाषण देने से बाज नहीं आए। मेरा देश भगत और उसकी प्रियतमा को गैस चैंबर में डाल दो। वेरी गुड, समझो आखिरी दाव है अपना। तुम भी तैयार रहो, मैं अभी वहां पहुंचता हूं। बलबर की देरी भी अपनी बाजी उलट सकती है। लेकिन सोचता हूं कि तोताराम का क्या किया जाए, वो तुम्हारी मर्जी से जिंदा है। मेरा ख्याल है कि अब उसकी छुट्टी कर दो। ठीक है, तो मैं उसे अपने हाथों से छुट्टी दूंगी। वेरी गुड, बहुत अच्छे, आज तो तुम बहुत वफादार बन गई हो। वफादार कब नहीं थी, लेकिन आपने कदर कब की? कदर दिल से करता हूँ और दाम सोने से चुकाता हूँ। ये लो, मैं सोने की पैकिंग करता हूँ और तुम उसकी छुट्टी। नहीं रोजी, तुम मुझे नहीं मार सकती। क्यों नहीं?
तुमने मुझसे प्यार किया था। Thank you.
अपना काम पूरा किया है। यह सोनालाल बहुत कमीना आदमी था, यह बुलियन किंग था। इसके मोहर के बगैर काला सोना बाजार में नहीं निकल सकता। यह मेरा पार्टनर होते हुए भी मुझे दगा दे रहा था। मैंने तुम्हें इसलिए भेजा था वो सारा सोना मेरे हाथ लगे, ताकि केदारनाथ सोनालाल उसे हजम न कर पाए। तुमने अपना फर्ज अदा किया है, अब तैयार हो जाओ। पहले आप तैयार हो जाइए श्यामलाल जी। मैं खूब जानता था कि आपके ट्रैक्टर पार्ट्स क्या थे और धंधा क्या था। शिपिंग कंपनी की आर्ट लेके आप बहुत बड़ी गोल्ड स्मगलिंग कर रहे थे। तुम सब कुछ जानते थे? जी हाँ, मैं ही नहीं बल्कि सारा पुलिस डिपार्टमेंट आपके बारे में जानता था। पुलिस डिपार्टमेंट? अनिल, इंस्पेक्टर अनिल कहिए श्यामलाल जी। मैंने नौकरी आपके पास इसलिए की, आपको गिरफ्तार करने में मेरे पास कोई सबूत नहीं था। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बरखुरदार, तू बहुत अपनी हद से आगे बढ़ रहा। बरखुरदार नहीं, इंस्पेक्टर अनिल, बॉम्बे सीआईडी। आई पुट यू अंडर अरेस्ट केदारनाथ। यू फूल, आई एम नॉट केदारनाथ। I am chief of secret service. जाओ जल्दी श्यामलाल को गिरफ्तार करो। देख लिया, कानून से कोई नहीं बच सकता। तुम कब से शिपिंग एजेंसी के पर्दे में स्मगलिंग का धंधा करते रहे हो? तुम्हें पकड़ने के लिए मुझे भी यही धंधा करना पड़ा। इट्स ए वेरी बोरिंग बिजनेस। ले चलो इसे और सोने को जहाज में ला दो। इस वक्त हमारी सरकार को सोने की सख्त जरूरत है। लेकिन तुमको साथ लेके मरूंगा। पांच मिनट के अंदर अंदर ये सब जगह उड़ जाएगी। तुम कोई बचकर नहीं जा सकता, कोई जिंदा बाहर नहीं जा सकता। तुम बेवकूफ बन बनकर मुझे बेवकूफ बनाते रहे केदारनाथ, लेकिन पांच मिनट, सिर्फ पांच मिनट। ये तो लोहे का दरवाजा है। फिक्र मत करो, मेरे पास लोहा पिघलाने की मशीन। Thank you.
चलो। समझता था हमको जीत लेगा। I am Joe Smart, you fools। श्यामलाल तुमने हमको धोखा दिया, सोनालाल ने तुमको धोखा दिया, अब हम तुम सब धोखाबाजों को धोखा देने को है। बी रेडी। I'm sorry sir, न जाने मैंने आपको क्या क्या कह दिया। बड़फुरदार इस सर्विस में ऐसा ही होता है। तुम मुझे नहीं जानते थे, मैं तुम्हें नहीं जानता था। इट वॉज ए सीक्रेट मिशन फॉर बोथ ऑफ अस। तुम श्यामलाल और गोल्ड के कंसाइनमेंट को पकड़ना चाहते थे और मैं इनके गैंग को गिरफ्तार करना चाहता था। मगर सर ये अंगूठी क्या हुआ इस अंगूठी? मेरा मतलब ये था कि अहमद अली के खातिर ने भी यही अंगूठी पहनी थी। दरअसल ये अंगूठी मेरी ही है। सोनालाल ने अहमद अली के कातिल को ऐसी ही अंगूठी इसलिए पहनाई थी कि श्यामलाल की नजर सोनालाल पर न पड़े बल्कि मुझ पर पड़े। मगर बाजी पलट गई, मैंने सोनालाल को अपना दोस्त बना लिया और उसके घर पहुंच गया। ओह आई सी। एनी हाउ यू आर अ ब्रिलियंट बॉय। मैंने तुम्हारी जान कई बार बचाई, उसका शुक्रिया अदा करो। थैंक यू सर। तू मेरी जन्नत है।